हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पल्लू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कोरोना रोधी वैक्सीन पिलाई गई। वैक्सीन केंद्र पर सरपंच प्रतिनिधि देव कुमार जोशी ने वैक्सीन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि केंद्र को मिली 500 में से 451 डोज लग चुकी हैं तथा शेष की प्रक्रिया जारी है। सरपंच प्रतिनिधि देव जोशी ने वंचित ग्रामीणों को उत्साहपूर्वक शीघ्र वैक्सीन लगवाने की बात कही। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत भवन में औषधीय पौधों का भी घर घर वितरण किया गया। उन्होंने पौधे वितरण के अवसर पर बताया कि उनका लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत के हर घर पर औषधीय पौधों हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी से आसानी से मुकाबला किया जा सके। चलाइए जिसमें घर घर पौधों का वितरण, औषधीय पौधों का वितरण करना है, जिनमें एक नंबर गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी और भी कई प्रकार के पौधे, अभी 4 प्रकार के पौधे उपलब्ध हुए हैं। आज उनका ग्राम पंचायत पल्लू में वितरण करवाया। लोगों ने उत्सुकता से पौधे लगाने के लिए वहाँ पे पंचायत घर में आए, उनको पौधे वितरण किए गए और वैक्सीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीन लग रही थी, वहाँ पे जाके निरीक्षण किया। आज 500 डोज ग्राम पंचायत पल्लू में उपलब्ध कराई गई थी, उनमें से 451 डोज लग चुकी है। लोगों में बहुत उत्सुकता है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, ग्राम पंचायत वासियों से, पूरी पंचायत समिति के सभी, विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस महाबीमारी से हम, जो ये वैश्विक महाबीमारी है, पूरे विश्व में फैल रही है, इस महामारी से हम मुक्त हो सके। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है, कुछ क्षेत्रों में, देश के कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में अभी इस बात का समाचार है कि तीसरी लहर के आने के संकेत है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं और सभी 36 पंचायत समिति के सभी 36 पंचायतों के सरपंच से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिल सके, ताकि इस बीमारी से हम मुक्त हो सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका देवकिरण जोशी, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पल्लू।